नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा। और मूंग दाल को सुबह कितना बजे भिगोई? दिन के 9 बजे भिगोई। सुबह 9 बजे भिगोई थी और अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। 4-5 घंटे के लिए मूंग दाल को भिगो के रखा और अब उसमें पानी पूरा झार दिया है। अब इसको सिली लोटे से रगड़ रहे हैं, पीस रहे हैं। ये देखिए दाल अच्छे से भीग चुकी है और ये डोल नहीं बोलते हैं इसको, ये रखी हुई है ताकि इसमें जो पानी है दाल में वो सारा इस बर्तन के अंदर चला जाए। और ये सिल्ली लोटे से दाल को पीस रहे हैं। ये बच्चे आ गए हैं सारे। भगवान ने भोग लगाना है, ये इंतजार करने लग गए हैं अभी कि ये कब बनेगा। पेट दुखे दाल, मूंग की दाल पेट दुखे। नहीं, नमक की दाल वह मोट खानी, आ मूंग की दाल खराब ही करते। हाँ, ये पेट दुखना जा थाने 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ से। इसको बनने में 2-3 घंटे लगेंगे। तो ये दाल को पीस लिया है। हटे तो लोड पछावा आ रहे। हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 किलो मूंग की दाल, पीस लिए इसको, 1 किलो घी और 1 किलो मावा है ये, और 1 किलो है चीनी, ये 1 कटोरी बुरादा है सूखे नारियल का मिक्सी में पिसा हुआ, और ये इतने काजू हैं। सामान पूरा तैयार है तो अभी चूल्हा जला लेते हैं और हलवा बनने के लिए चढ़ा लेते हैं। ये लोहे की कढ़ाई है, ये काजू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये कढ़ाई में घी डाल दिया है, अब इसको घी को गर्म होने देते हैं। बड़ी कढ़ाई है लोहे की, इसमें बनाते हैं तो आसान रहता है बनाना बड़े बर्तन के अंदर। हो गए हैं तो अब ये दाल डाल देते हैं। ये हाथ से लौटी हुई दाल है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ है, इसलिए ये अच्छी है, एकदम पतली नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी है। दाल पतली होती है, पानी मिलाकर उसको पीस लेते हैं तो वो फिर सीखने में मुश्किल हो जाती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसको हाथ से पीसा है। ये दाल सेकना जब शुरू करते हैं तो ये चिपकने लगती है, तो ये कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से चिपकेगी, इसको बहुत जल्दी जल्दी पलटना होगा। ये देखिए, और धीरे धीरे जैसे ये सिकती जाएगी फिर ये चिपकना बंद कर देगी।
अभी चाय पीने का टाइम हो गया तो मैं चाय बना रही हूँ। ये वंदना रोक ले अपना दूध और ये दादी माँ की चाय। वंदना ले जाएगी सावले जी, रुक जो चाय पी लो मैं फेर लो। धीमी आग पर सेक रहे हैं, आग फूल नहीं जलानी है और इसको सेकते हुए लगभग एक घंटा लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, पर जितना अच्छे से सेकेंगे उतना ही चीज स्वादिष्ट होगा। अभी तो इसका कलर चेंज भी नहीं हुआ है, एकदम येलो कलर है, थोड़ा सा बादामी कलर हो जाएगा तब एकदम सीख जाएगा। तो लगभग एक घंटा हो चुकी है हमें इसे सेकते हुए और ये देखिए अब एकदम ये खुला खुला हो गया है और कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है, पहले एकदम येलो कलर था अब थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है। तो ये मावा डाल दिया मैंने, तो इसमें एक किलो मावा डाल दिया है और एक लीटर दूध इसमें डाल दिया है दो बारी में थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको अच्छे से सेकना है फिर से 7-8 मिनट के लिए। तो ये देखिए दूध और मावा डालने के बाद भी इसको अच्छे से सेक लिया है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, ये हमने चीनी डाल दी। हाँ, खाना को जीख रहा है। खाना जीख रहा है। बस अब बनना है। कितनी देर माँ? 5 मिनट बन जिए। अब खाली ड्राई फ्रूट डालने वाले हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट में काजू बादाम और ये नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। हलवा है तैयार, 2 घंटे में 2 घंटा लगे इसको बनाने में। इसको टाइम ज्यादा लगता है लेकिन स्वादिष्ट सबसे ज्यादा होता है, मेरा फेवरेट हलवा है, दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, लौकी का हलवा, जो अच्छे से बना हुआ हो। कभी कभी क्या कच्चा रह जाता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है, अच्छे से पकाकर बनाया हुआ होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हाँ, लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा, सब हलवे अच्छे लगते हैं लेकिन फेवरेट एक ही होता है, वो है मूंग दाल का हलवा। मेरे तो सारे हलवे पसंद है। सारे ही पसंद है? हाँ। यार एकलपना सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाना है, कटोरी लेकर आओ। एकलपना सबसे पहले भगवान जी को हलवा चढ़ा रही है। हाँ चढ़ा दे, हाथ जोड़ क्या भगवान जी, जीम लो मीठो है, स्वाद है। सबसे पहले कल्पना ने खाया है? नहीं, सबसे पहले भगवान जी ने खाया है। हाँ, तो ये हलवा बनकर तैयार है। क्या बने? तकड़ो बने। तो दोस्तों हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है, इस तरीके से आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें
और इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।